Hi friends, welcome back to my YouTube channel. This is me Sukhmanpreet Kaur and Dhava, and today I'm back with another study vlog with you all. So actually इस vlog में अपना like आज का daily routine दिखाने वाली हूँ. So today is holiday because today is Baisakhi. So happy Baisakhi to you all. And so आज holiday है, so थोड़ा सा मेरा pending work है and थोड़ा सा like revision type कुछ work मेरा pending है. So वो मैं आज करने वाली हूँ. So stay tuned for that and watch this vlog till the very end. So if this video will be helpful, then don't forget to like this video and make sure to subscribe my channel for more videos. So let's begin. Okay guys, so now let me firstly tell you all that why I was not uploading videos since 2 days. So जैसे कि आप लोगों को पता है थोड़े से like मेरी तबीयत नहीं ठीक थी 2-3 दिनों से, and वो पहला रीज़न हो गया. एंड और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी वीडियोज़ को. पर पता नहीं ये फीवर कैसा है, ये उतर ही नहीं रहा है. सो आई थॉट टू लाइक डू रेस्ट फॉर 1 or 2 days. और जैसे कि मैंने अभी 2 दिन तक स्टडी भी बिल्कुल भी नहीं किया है, सो मैंने स्टडी व्लॉग फिर बना भी नहीं पाई थी. और अगर बना ली थी तो फिर स्मूथ से एडिटिंग नहीं हो पानी थी. सो दैट्स द मेन रीज़न. बट टुडे आई हैव ट्राइड अ लॉट टू लाइक टू स्टडी एंड टू शूट इट, एंड फाइनली इन द आफ्टरनून सॉरी इन द इवनिंग आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी. लाइक क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गया मैंने अभी बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया. सो थोड़ा सा लाइक गैप पड़ गया था राइट स्टडीज़ में. सो मैंने उसे कवर अप करने की थोड़ी बहुत ट्राई किया, लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन आई हैव ट्राइड. सो अभी बज चुके हैं 6 PM एंड आई हैव स्टार्टेड माई लाइक स्टडीज़. यू कैन से 4:30 और 5 के बीच में मैंने अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट किया था. और अभी तक बस मैंने SST का थोड़ा सा वर्क किया है, ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि अभी मुझसे ज़्यादा अच्छे से कंसनट्रेट हो ही नहीं पा रहा है. सो नाउ लेट मी फर्स्टली शो यू ऑल माई यूजुअल साइंस बुक, एंड दिस इज़ द बुक. Okay, you can see this is the book by like you can say NCERT series with your University Press, Dr. Ajay Sethi. Okay, so ये 10th की book है. Okay, मतलब कह सकते हैं कि guide है, ठीक है, NCERT को follow कर रही है. Okay, and जो मैंने अभी भी कह सकते हैं छोटे छोटे जो sticky notes वगैरह नो हैं टाइप के notes बनाए थे, so वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो मेरे दिमाग में थोड़ा सा idea आया था, so मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं. सो इन दोनों पेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उन दोनों को मैंने एक जगह पर लिख कर, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया. ओके, सो वैसे ही नेक्स्ट उन दोनों पेजेस का मैंने यहाँ पर लिखा है. ओके, एंड ओके अगर कुछ और लिखना हो तो मैं इसकी बैक साइड पर लिख सकती हूँ. ओके, ये बैक साइड मैंने खाली छोड़ी है, उनकी बाद में अगर टीचर ने कुछ लिखवाया तो मैं उसे लिख पाऊँ, ठीक है. और ये मैंने कुछ डायग्राम्स की हेल्प ली है. ओके, एंड आफ्टर दिस ओके, सो ऐसे भी मैंने हाफ चैप्टर का ऐसे किया है, भी थोड़ा सा लाइक रहता है. ओके, अभी जैसे इन दोनों पेजेस का भी रहता है ना, और इसका भी हाफ ही लिखा है. एंड आप आगे भी ये अभी बस मैं लाइक अभी बस मैं फर्स्ट चैप्टर ही कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट कह सकते हैं ये हिस्ट्री का चैप्टर मंगवाना है. ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और ये कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर. सो इसलिए थोड़ा सा इसे टाइम लग रहा है ज़्यादा, एंड थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क भी लग रहा है ज़्यादा. सो नो प्रॉब्लम, आगे चैप्टर ईजी है. अगर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट अच्छे से समझ लग जाएगा, सेकेंड थर्ड बाकी सारी बुक जो है वो ईजी होती है, राइट. सो लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ओके गाइस, सो नाउ इट्स 8 PM एंड अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं इतनी देर तक क्या करती रही थी. सो आज बिल्कुल भी दिन मेरा प्रोडक्टिव नहीं था. ऊपर से तो मैंने पढ़ना ही स्टार्ट किया इवनिंग में,
एंड इवनिंग में बस मैंने एक या डेढ़ घंटा पढ़ा, उसके बाद मैं 6 से लेकर 7 बजे तक मैं बाहर खेलने चली गई, बिकॉज एट दैट टाइम मौसम बहुत अच्छा था और इतने अच्छे मौसम में भी मैंने खेल लिया। और उसके बाद 7 से लेकर 7:30 बजे तक क्या कह सकते हैं है ना, खाना वाना खाया, उसके बाद बातें बातें की और बात कुछ कहते हैं आधे घंटे में बाद में हम लोग 10-15 मिनट हम लोगों ने वॉक की, मीन्स मी एंड माई सिबलिंग्स। एंड अभी बज चुके हैं 8 PM एंड अभी मैं थोड़ा सा यूट्यूब यूज़ करूँगी, यूट्यूब देखेंगे, आफ्टर दैट वी कंटिन्यू विद द स्टडीज। अभी बज चुके हैं 8:30, ब्लैकबोर्ड स्टडी हो चुकी है, सो नाउ आई एम लाइक स्टडिंग ऑन बेड क्योंकि रात हो चुकी है, लाइक ना सोने का भी मन कर रहा है। सो अब मैं थोड़ी कोई बात नहीं, बेड पर पढ़ लेती हूँ, सो इसीलिए पढ़ रही हूँ, डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है यार, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या है ना कि टेबल पर पढ़ के बेड पर लाइक अच्छे से फ्री है ना बैठ कर पढ़ना, इट्स बेटर। सो आज आप लोग देख रही हैं कि मैं एसएसटी ही पढ़ी जा रही हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, सो मैंने सोचा कि आज इसे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है आज मुझसे, क्योंकि आई थिंक इसकी जो पेजेस की जो स्ट्रेंथ है ना हमारी इस बुक के ऊपर, इट इज़ ऑफ मोर देन थर्टी पेजेस, इट इज़ ऑफ 32 पेजेस। ओके एंड यू गाइस कैन लाइक सी कि इसकी जो हैंड राइटिंग है इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इसे छोटी छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है। एंड अभी कह सकते हैं मेरे 10 पेजेस हुए हैं बस 30 में, ठीक है 20 पेजेस रहते हैं 10-10 करके, फिर मैंने सोचा कि 10-10 करके कर लेते हैं और अच्छे से, अगर 10 पेजेस भी अगर आज मुझे पल्ले पड़ गया ना तो 10 पेजेस करके बाकी भी पड़ जाएगी। ओके और आज तो मैंने स्टडी बहुत कम की है, 2-3 दिन से स्टडी नहीं हो पा रही है, आज मैंने ट्राई किया एंड थोड़ी बहुत सक्सेसफुल भी हुई हूँ मैं, ठीक है। एंड सो आई होप कि आप लोगों ने जितना भी आप अभी तक आपने ब्लॉग देखा है अच्छा लगा है, इफ़ यू हैव इन्जॉयड जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर ब्लॉग्स लाइक दिस स्टडी ब्लॉग्स। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी लाइक चैलेंज वीडियो अदर वीडियो ओके एनी काइंड ऑफ फन वीडियो और स्टडी ब्लॉग वीडियो जस्ट गो एंड कॉमेंट ऑन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक इट। सो येस वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आया दिन विसाखी का, समा गया हूँ कणकां दी राखी का, चाई चाई मेलिया हूँ जावांगे, गिद्दा भंगड़ा पा के हम जश्न मनावांगे। सत श्री अकाल सारियां नूं, मैं सुखमनप्रीत कौर 10वीं जमात दी विद्यार्थन हाँ, मेरा अज दा विषय है विसाखी। चढ़िया विसाख महीना, मनाओ विसाखी नूं, याद करो इस नाल जुड़ी हर एक साखी। पुरातन काल तो ही करदे सब इंतजार है, किसानां ते मजदूरां लई रोटी ते वपार। दशमेश पिता ने खालसा पंथ सजाया सी, आपे गुरु आपे चेला अध्याय चलाया। धर्म जो जात पात नूं मिटा दिता सी, चिड़िया नूं बाज विरुद्ध लड़ना सिखा दिता। जालम अंग्रेजा ने बड़ा कहर कमाया सी, जनरल डायर ने भी पैड़ा हुकम सुना। रोया सी पत्ता पत्ता उदो जलियां वाले बाग दा, होया फिर गोल बिस्तरा अंग्रेज राज भाग दा। सारे मनाओ विसाखी भुल के भेदभाव नूं, करो खुशहाल अपने इस सोहने पंजाब नूं, करो खुशहाल अपने इस सोहने पंजाब। मेरे वालों तुहानू सारियां नूं विसाखी दियां ढेर सारे मुबारक, धन्यवाद।